जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में रखे गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और दोस्तों अगर आप PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यह है कि कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। आत्मघाती बैग का मतलब है सुसाइड बैग, है ना, ये याद रखिएगा। अगर सुसाइड बैग की बात करेंगे, सुसाइड बैग क्या होता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, ये याद रखिएगा, है ना, यहाँ पे जी रहेगा, है ना, ये कहते हैं सुसाइड बैग। ठीक, एक पॉइंट और भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था डी डुबे ने। अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए तो बस सीधा सीधा याद रखना डी डुबे ने इसकी खोज की थी। ये सुसाइड बैग होता है। आगे दिया है, कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम है। अर्धपारगम का मतलब इसको सेमी परमेबल कहते हैं, मतलब ये डिसाइड करता है कि किस पदार्थ को कोशिका के बाहर जाना है और किसे कोशिका के अंदर आना है, तो ये कोशिका झिल्ली होता है। ठीक, आगे दिया है, कोशिका का पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट या फिर पावर हाउस कहा जाए, हिंदी में विद्युत घर भी कई बार लिखा हुआ मिल जाता है, विद्युत घर, है ना, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है, विद्युत घर होता है, माइटोकांड्रिया होता है ना। माइटोकांड्रिया की बात करेंगे, कोलिकर और बेंडा इससे जुड़े हैं, है ना। आगे दिए, कोशिका की शक्ति स्रोत होता है, तो जो पावर हाउस है भाई यही एनर्जी देगा, ये कौन होता है, माइटोकांड्रिया। मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता, तो RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये नाम याद रखिएगा, ये ब्लड का एक पार्ट है ना, RBC, WBC प्लेटलेट्स, है ना, ये ब्लड के कंपोनेंट है, इसमें से जो RBC है इनमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है। RBC से जुड़ा एक प्रश्न और भी देखने के लिए कई बार मिलता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल औसतन 120 दिन होता है, ये भी याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसे कर लीजिएगा। कोशिका का नियंत्रक केंद्र, नियंत्रक केंद्र का मतलब है पूरी तरीके से आप इसे कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल, मतलब जो ब्रेन है सेल का ये कौन होता है, तो ब्रेन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ये भी तथ्य आपको याद रखना चाहिए। कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ये माइकोप्लाज्मा, मतलब देखिए जो सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा है, इसे PPLO भी कहा जाता है, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO माइकोप्लाज्मा, ये भी याद रखना है। अगर कभी माइकोप्लाज्मा ना मिले, पूछ ले सब मतलब सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है, तो आप PPLO लिखेंगे, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। आगे यहाँ पर दिया दोस्तों कि DNA का संबंध जिस अति सूक्ष्म मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं। देखिए DNA की बात करेंगे तो DNA मूल रूप से हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है, हिस्टोन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे DNA जुड़ा होता है। किस एक कोशिकी कोशिकांग समूह में DNA होता है, तो देखो DNA की बात करेंगे तो DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए माइटोकांड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, न्यूक्लियस और हरित लौह का मतलब क्लोरोप्लास्ट। अगर अंग्रेजी नाम की बात करेंगे तो DNA का किस किस कोशिकांग में, देखिए माइटोकांड्रियान में है, है ना, ये याद रखने माइटोकांड्रियान, इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर है देखिए ये क्लोरोप्लास्ट, है ना, प्लास्टिड का एक रूप है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ इन तीन ऑर्गन्स में क्या होता है, DNA होता है। इसके बाद आगे दिया DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है, देखिए
डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब कई कंपोनेंट मिलकर के डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए जो बनता है इसमें मूल रूप से क्या क्या होता है, देखिए नाइट्रोजनी समाचार मतलब क्षारक यहाँ पे दिए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह। इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों एक्सप्लेन कर देते। देखिए डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए या आरएनए इसके बनने में ना तीन कंपोनेंट मुख्य रूप से आते हैं। देखिए तीन कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर है फास्फोरिक एसिड जिसे कि फास्फेट समूह कहते हैं, H3PO4 इसका सिंबल होता है। ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है, इसे याद रखना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन युक्त शर्करा है ना, इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पेंटोज। अब पेंटोज में ना दो प्रकार के शुगर होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज और एक होता है राइबोज। तो जो डीऑक्सीराइबोज है ये डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ना, और जो राइबोज शर्करा है ये किस में होता है, ये होता है आरएनए में। और इसके बाद नाइट्रोजनी क्षारक या फिर समाक्षार की बात करेंगे, जिसे नाइट्रोजनी बेस कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरामिडिन है ना। अब देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये कुल 5 प्रकार का होता है। मैं सीधा सीधा प्यूरिन पैरामिडिन हटा के पांचों का नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 5 प्रकार का होते हैं। अब देखिए डीएनए आरएनए इनको बनने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले फास्फोरिक अम्ल, ये दोनों में होता है। इसके बाद पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा दो प्रकार का, एक है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एक है राइबोज शर्करा। अब इसके बाद देखिए बेस मतलब नाइट्रोजनी समाचार की बात करेंगे, 5 नाइट्रोजनी समाचार है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब इसमें स्पेशल बात करेंगे डीएनए में कौन कौन होता है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखिए फास्फोरिक एसिड ये डीएनए में होगा है ना, इसके बाद डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये डीएनए में होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये इतना डीएनए में होगा। देखिए ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है ये डीएनए में, यही यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजनी समाचार या फिर क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन 4 होते हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा की बात करेंगे आप, मैंने डी को कलर किया, और फास्फेट समूह मतलब फास्फोरिक अम्ल। अब यहीं पर अगर आरएनए की बात करेंगे तो देखिए आरएनए में ये तो होता ही है ना, मतलब फास्फोरिक एसिड होगा ही होगा और होगा राइबोज शर्करा। और इसके बाद देखना एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन चीज तो रहेगा ही रहेगा, बस थायमिन को हटाकर इसके स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा। तो डीएनए और आरएनए इसमें कौन कौन सा घटक होता है, अगर ये बिंदु कभी पेपर में बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, डीएनए या आरएनए इसको बनाने के लिए तीन कंपोनेंट चाहिए, फास्फोरिक अम्ल है ना, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी समाचार। फास्फोरिक अम्ल अकेला होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेंटोज शर्करा की बात करेंगे तो इसमें ये दो प्रकार का है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। देखिए डीऑक्सीराइबोज सिर्फ डीएनए में होता है और राइबोज सिर्फ आरएनए में होता है। नाइट्रोजनी समाचार 5 होते हैं ना, इसको भी 2 समूह में बांटा गया, उसको हम लोगों ने नहीं लिखा है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब अगर बात करेंगे डीएनए के लिए तो इसमें पेंटोज शर्करा में डीऑक्सीराइबोज होगा है ना, इसके बाद फास्फोरिक अम्ल एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन रहेगा, और आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पर राइबोज शर्करा होगा और यहाँ पर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल मिलेगा। तो और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप कुछ नंबर देख पा रहे होंगे है ना, ये नंबर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने के लिए, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन, अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आप प्ले स्टोर से इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिए चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य। देखिए अंतर्द्रव्य जालिका इसको अंग्रेजी भी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ मतलब ये खुरदुरा और एक होता है स्मूथ मतलब चिकना। तो यहाँ पे चिकने के बारे में पूछा जा रहा है, तो विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करना मतलब जो विषैले पदार्थ हैं उनको विष विहीन कर देना, ये इसका कार्य होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा है डीएनए में क्या मौजूद होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। देखिए थायमिन ये डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा समझते, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले डीएनए होगा है ना, अब डीएनए से आवश्यकता पड़ने पर आरएनए निर्मित होगा है ना, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही आउटपुट रहेगा है ना।
तो इस फैक्ट को भी आप याद रख सकते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, है ना। इसको यहाँ पे देखिए, डीएनए से आरएनए है ना, ये ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन है ना, या फिर यहाँ पे मैं शब्दों को भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, बस इसे याद रखिएगा, बाकी हो सकता है शब्द मैं भूल रहा हूँ, है ना। राइबोजोम्स होते हैं, तो ये राइबोजोम्स आरएनए होते हैं, इसे याद रखिएगा। इसी प्रकार दिए आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन कहाँ पर होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों में होते हैं, है ना। एक प्रश्न यहाँ से और भी पेपर में कई बार बनता है कि जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द दिया था जॉनसन, है ना, तो ये भी याद रखिएगा, जीन की खोज जॉनसन ने किया था, है ना, या जॉनसन ने दिया था। आगे डीएनए की द्विकुंडलीन संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए के द्विकुंडलीन संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और ये सिद्धांत इन्होंने एक्सरे विवर्तन, तो कई बार ये भी प्रश्न बना है पेपर में कि द्विकुंडलीन सिद्धांत को इन्होंने कैसे दिया था, तो एक्सरे विवर्तन के आधार पर दिया था, और इस खोज के लिए ना इनको बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, देखिए इन्होंने डीएनए का सिद्धांत दे दिया, अब कोशिका से डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था, तो ये किया था फ्रेडरिक हाफ मिसर ने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। देखिए डीएनए, अगर आप देखेंगे डीएनए जैसे ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है ना, यहाँ पे रुकेगा थोड़ा, जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक ऑड सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, देखिए ये ऐसा एक डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया है ना, है ना। तो अब इसमें ये जो डबल स्ट्रैंड है, ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रैंड कैसे बंधा होता है, तो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मतलब देखिए इस स्ट्रैंड को ना दिखा के मैं सीधा आपको ये दिखाता हूँ। देखिए डीएनए में कौन कौन सा कंपोनेंट है इसकी बात करते हैं। देखिए डीएनए की बात करेंगे तो इसमें एडेनिन और थायमिन है ना, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन है ना, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में कभी बन जाए कि एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या कितना हाइड्रोजन बंद होता है, तो ये द्विक हाइड्रोजन बंद है ना। और इसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन के बीच की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बंद होता है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अच्छा, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, तो आप बस ऐसे याद रखना टाटा है ना। टाटा जब बोलेंगे देखिए ए टी साथ में आ रहा है और दो बार आ रहा है ना, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा कि थायमिन और एडेनिन है ना, ये किस बॉन्ड से जुड़ा है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक क्लियर हो गया तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना का प्रतिरूपण होने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, है ना। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।